दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर द बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है एंड ये सेल शुरू हुई है 29 अक्टूबर को एंड ख़त्म होने जा रही है 4 नवंबर को। एंड अभी भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं लैपटॉप को परचेज करने का, क्योंकि लैपटॉप्स पे ऑफर बहुत चल रहे हैं, काफ़ी प्राइजेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे जो लोग बजट जिनका टाइट है वो भी कंफ्यूज हैं कि किस में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने कुछ 7-8 ऐसे लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, एक है MSI, एक है असूस एंड एक लिनोवो एसर, MSI NHP। तो मैंने 7-8 लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इस टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप की बात करें वो है हमारा MSI GF63 थिन कोर i5 9th generation के साथ। इसमें आपको 8 GB का रैम मिल जाता है, 512 GB का SSD, 4 GB ग्राफिक्स के साथ, 1650 मैक्स क्यू। तो ये लैपटॉप बजट गेमर्स के लिए ठीक है, जो भी कंटेंट क्रिएशन वीडियो एडिटिंग का काम सीखना चाहते हैं, अभी यूट्यूब के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। इसमें जो मेन आपको मिल जाता है ऑफर, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, 2 साल की वारंटी। किसी भी लैपटॉप में आपको बाय डिफॉल्ट 2 साल का वारंटी नहीं मिलता, तो इस लैपटॉप में आपको 55,000 में SSD मिल रहा है, रैम भी अच्छा मिल रहा है, इंटेल का CPU भी मिल रहा है, 4 GB का 1650 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, वो भी 50,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप आपको ले लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं असूस की। बहुत सारे लोग इस लैपटॉप को भी परचेज करते हैं। असूस के 2 लैपटॉप्स अभी चल रहे हैं, एक i5 एंड राइजन के साथ। तो दोनों ही लैपटॉप ठीक हैं, बट ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा राइजन, क्योंकि राइजन गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में धूम मचा रहा है, 6 कोर वाला CPU आगे लगा रहा है। ये लैपटॉप भी आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन स्क्रीन के आपके सामने है, ये आपको पड़ रहा है अभी 58,000 का। इसके ऊपर बैंक ऑफर लग जाएगा, उससे अभी इंक्लूड करके काफ़ी कम हो जाएगा। एक IdeaPad सीरीज है लिनोवो की तरफ से, इसमें आपको i7 9th generation का CPU मिल जाता है एंड 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आपको 256 GB SSD भी मिल रहा है। तो SSD मस्ट होना चाहिए अभी 2020 में, 4 GB का ग्राफिक्स है एंड 60Hz का ये डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी ठीक है। तो 360 तो नहीं, 180 डिग्री हिंज है इसकी एंड 2-sided नैरो बेजल्स। तो लैपटॉप ये भी ठीक है, लुक वाइज भी अच्छा है। एंड अभी बात कर लेते हैं एसर नाइट्रो की, क्योंकि बहुत सारे लोग नाइट्रो भी परचेज करने के लिए खुश हैं और उनको नाइट्रो भी अच्छा लग रहा है। तो इसमें आपको i5 10th generation का CPU मिल जाता है, 8 GB रैम के साथ एंड सेम कॉम्बिनेशन 1 TB हार्ड डिस्क प्लस 256 GB का SSD एंड 4 GB के ग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो रेड कलर के साथ बिल्कुल गेमिंग लुक वाला ये लैपटॉप, बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप है, 67,000 की रेंज में इसके साथ भी आप जा सकते हैं। अभी ये लैपटॉप है सूस का टफ गेमिंग A17 राइजन 5 हेक्सा-कोर 4600H। तो गाइज ये लैपटॉप ने तो धमाल मचा रखा है, इस प्राइस रेंज में आपको और कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा इस स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि राइजन 5 है जो हेक्सा-कोर, वो मतलब हेक्सा-कोर का मतलब है 6 कोर, तो 6 कोर वाला ये CPU इतना धमाल मचा रहा है। आप देख सकते हैं मिलिट्री ग्रेड टफनेस के साथ ये पास हुआ 8 कोल्ड, कुछ भी हो यार, गर्मी सर्दी कुछ नहीं होगा इससे, ऊपर से नीचे फेंक दो कुछ नहीं होगा। तो लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी अच्छा है एंड प्राइस तो अच्छा ही है ही। तो ये लैपटॉप मुझे आज के इस सेल में बहुत अच्छा लगा, आप इसे ले सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं MSI की। MSI में आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है 2 साल की वारंटी का, लेकिन इस जो मॉडल है ब्रेवो, इसमें आपको 1 साल का मिल रहा है, ये आप बात नोट कर लेना। कई यूट्यूबर्स को कन्फ्यूज़न है कि MSI के हर प्रोडक्ट पर 2 साल का वारंटी है, तो इसमें नहीं है, ध्यान रखना दाइस। एंड इसमें भी आपको राइजन 4600H मिल जाता है, लेकिन इसमें जो आपको रैम है वो 16 GB की मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड AMD के ग्राफिक्स हैं, तो AMD ग्राफिक्स इतने अभी रिकमेंड नहीं किए गए हैं लैपटॉप्स में, अच्छे हैं लेकिन कोई भी इशू नहीं आता। अभी बात करते लास्ट में बीस्ट की, HPO में राइजन की। तो गाइज यही लैपटॉप मेरे पास है, आपको चैनल में मेरे चैनल पे इस लैपटॉप के रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये लैपटॉप भी ठीक है, लेकिन इसका प्राइस कुछ कम नहीं किया कंपनी ने, पता नहीं क्यों, सेल में 1,000-2,000 कम कर देते तो और इनके 2-4 बिक जाते, लेकिन पता नहीं क्यों इसका प्राइस अभी कुछ भी कम नहीं हुआ 1% भी। तो ये लैपटॉप ठीक है यार गाइस, बीस्ट लैपटॉप है। सिर्फ इसकी जो मेन बैड क्वालिटी है वो इसकी हिंज क्वालिटी इतनी बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। तो ये लैपटॉप भी आप देख सकते हैं 76,000 में, बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी इशू नहीं है, रिव्यूज़ वगैरह सभी ठीक हैं इसके। तो गाइस ये कुछ लैपटॉप मैंने आपके लिए देखे थे। अगर आपको इन लैपटॉप्स के बारे में कुछ पूछना है, कुछ आपके लिए आपको लगता है कि मुझे इस लैपटॉप में ये होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपका आंसर बिल्कुल करूँगा। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।